एडीटीसी परिधान क्षेत्र के समर्पित सबसे बड़ा गुणवत्ता वाला व्यावसायिक परीक्षण प्रदाता है और नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ अपस्किलिंग स्किलिंग के साथ साथ परीक्षक परीक्षण कार्यक्रम की पेशकश करता है। एटीडीसी ने नोएडा में एक रनवे फैशन शो ग्रेविटास का आयोजन किया, जिसमें राकेश वैद वाइस चेयरमैन एटीडीसी, सुधीर सीकरी वाइस चेयरमैन एईपीसी, श्री मग्गू जी, श्री ललित ठाकुरलाल अध्यक्ष एनएसआई, बीओजी सदस्य एटीडीसी सुश्री सिमी सूरी, डीजीएम सीएसआर, एचसीएल फाउंडेशन सुश्री अंशु जोशी और अन्य एसीएल फाउंडेशन अधिकारी सुश्री नीरा चंद्रा, निर्देशक सीएसआर, एटीडीसी एनएचओ, एटीडीसी एनएचओ और एचओडी के विभिन्न विभागों के उद्योग भागीदार अनिल पेशवारी जी, श्री विमल जी, अनिल वर्मा जी और मनु डबास प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आज का इवेंट बच्चों की जो एक ग्रेजुएशन के बाद फैशन जो वो अपना बनाते हैं प्रोडक्ट और जो उसके लिए जो क्रिएटिव उनका हम लोग क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं उनके अंदर, उस चीज़ की एक प्रेजेंटेशन थी इन द फॉर्म ऑफ अ फैशन शो। जो भी इन्होंने ये बच्चों ने बनाया, अपना गारमेंट्स बनाए, इनका डिज़ाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फैब्रिक सिलेक्शन और फिर उसके बाद क्या उन्होंने बनाना है कंस्ट्रक्शन और साथ में म्यूज़िक सिलेक्शन फॉर दिस प्रेजेंटेशन और रैंप वॉक, सब बच्चों का कॉन्सेप्ट था और उन्होंने ही डिसाइड किया कि ये कैसे करना है। हमने उनको सपोर्ट किया और ये सब सपोर्ट के लिए हमारे एचसीएल फाउंडेशन ने हमें बहुत मदद करी कि हम कैसे इस चीज़ के लिए कैसे कर सकें, क्योंकि हम ये सब बच्चों के जो है सीएसआर के अंडर इनको स्पॉन्सरशिप दिया फॉर आवर वोकेशनल ट्रेनिंग टूवर्ड्स लाइवलीहुड्स, दैट इज़ द प्रोजेक्ट जिसको एचसीएल फाउंडेशन वालों ने हमें स्पॉन्सर किया एंड उसके तहत हमने इन बच्चों को इतना ट्रेन किया कि ये अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे इस लेवल तक, इस कॉन्फिडेंस लेवल तक हमने उन्हें पहुँचाया कि वो इंडिविजुअली इस प्रेजेंटेशन को दे सके। और ये सब उन्होंने खुद किया, हमने सो एज अ टीचर्स एज डायरेक्टर एटीडीसी हमने इसको सपोर्ट किया बच्चों को, ताकि वो इस चीज़ के लिए इतने कॉन्फिडेंस पाएँ कि इंडस्ट्री रेडी रहें, इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें। आप सब ने देखा कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से मीट कर रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री से लोग आए हैं उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया उन लोगों को एंड आई विश देम कि ये सब इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। ऐसे आपके कितने सेंटर चल रहे हैं? हमारे दिल्ली एनसीआर में 7 हैं, करीब 80 सेंटर्स पैन इंडिया हैं and we are having our presence in all 23 states. कितने बच्चों ने प्रतिभाग किए इस प्रोग्राम में? आज 25 बच्चों ने इसमें भाग लिया और जैसे हमने सीक्वेंसेस बनाए थे, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया था, फिर उसके बाद रिपीट भी किया उन बच्चों को और इन बच्चों को हमने बिल्कुल ज़ीरो से ये सब सिखाया कि कैसे चलना है, कैसे उन्होंने खड़े होना है और कहाँ कहाँ खड़े होना है, इनको बिल्कुल शुरुआत से सिखाया, इनको बिल्कुल इस बारे में पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं थी।